अब की बात 400 पार मोदी सरकार। वो तो सब भोंकते रहते हैं, जब वक्त आता है बताते हैं। मैडम यह है कि गिनती नहीं है उसके काम की, मंदिर मस्जिद खूब बनवाए खूब सलमानों के लिए, तो बिल्कुल अभी भाषण नहीं देख रहे आप, कैसे कैसे भाषण बोल रहे हैं, बैठे ये हैं तो क्या समझे हमारे, हम ही तो घुसपैठी हमें बता रहे हमारा देश और हम ही घुसपैठी है, लाल किला जामा मस्जिद सब कुछ हमने दे रखा और हम ही घुसपैठी हो गए, वो खुद घुसपैठी है। मुसलमानों को तो परेशानी हो रही, क्या काम चल रहा है मुसलमानों का, अब ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बेरोजगारी चल रही है, हमारे काम खराब हो गए, कबाड़ों के काम खराब हो गए, बताओ मुर्गे वालों को दिक्कत हो रही है, हर चीज हो रही है, बताओ क्या है। अमित शाह जी ने अभी कहा तो है वो कि अब के हमारी सरकार बनेगी तो मुस्लिमों को जो भी रिजर्वेशन है वो खत्म कर देंगे, तो हम क्यों चाहेंगे वो आए। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीलमपुर मार्केट में। चुनावी माहौल जो है वो चल रहा है, पहले चरण के चुनाव जो है वो हो चुके हैं और इस वक्त हम आपको बता दें कि भाजपा के प्रत्याशी जो है वो मनोज तिवारी खड़े हुए हैं और कांग्रेस की तरफ से जो है कन्हैया कुमार खड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो मौजूद हैं, हम उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि किसकी सरकार बनते हुए जो है वो नजर आ रही है। सर क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है? ये रख लिया वो। अब बोले किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है? देखिए सरकार तो है वैसे बनेगी तो बीजेपी की, मैं बताऊं कैसे क्यों? क्योंकि अंधभक्तों की कमी नहीं है यहाँ पर, हमारे हिंदुस्तान में अंधभक्तों की कमी नहीं है, जो अपने माइंड से नहीं सिर्फ जज्बाती जज्बात हो गए उसमें वो करते हैं। आप किसके साथ है आप बताइए? हम सिर्फ विकास के साथ है। विकास किसने करा है? विकास तो पहले जो करा है वो कांग्रेस ने करा, अभी हमें नजर नहीं आया जो भी विकास है, जैसे कुछ भी किसी भी मसले में ऐसा खास नज़र नहीं आया, जो कि केजरीवाल ने करा और केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ऐसी बात नहीं, और बाकी लगता नहीं कि अगर मनोज तिवारी आते हैं तो मुश्किल लगता है कि कुछ काम कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक अपने एरिया में कुछ नहीं करा, अपना जो उनका संसद का एरिया था उसमें नहीं करा कुछ उन्होंने, तो वो ऐसे क्या कर लेंगे मुख्यमंत्री। तो आपको लग रहा है कि इस बार जो है मनोज तिवारी आने वाले हैं? ये तो हम कह नहीं सकते कि कौन आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे की जो बात है, जो एक पढ़ा लिखा इंसान होता है उसकी सोच अलग होती है, और जो एक सिर्फ और सिर्फ ये नेतागिरी ऐसे करते हैं, लेकिन इनका सबका ध्यान जो है ना अपने कैरियर बनाने में लगा रहता है, जैसे कि अब एल्बम वगैरह हो गए, ये तो नाच गाने वही रिंग क्या के पापे वाली बात, ये उनमें ध्यान ज़्यादा देते हैं, इनके व्यवहार भी कोई खास ज़्यादा अच्छा नहीं है। हमने एक टाइम में देखा था कि एक स्कूल में मतलब प्रोग्राम में गए हुए थे, उसमें इन्होंने अपने इंटरव्यू मतलब गए थे किसी मतलब स्पीच देने के लिए, उसमें एक टीचर ने मजाक में कह दिया था कि आप एक गाना सुना दीजिए, देखिए जी ये कलाकार थे पहले और उसी के बेस पे ये सांसद बने। तो कलाकार नेता नहीं बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन कलाकार ये भूल गया कि वो टीचर ने आपसे अगर ये कहा है कि आप एक गाना सुना दें, कहीं भी आप अपनी इस वक्त कैंपेन करने निकलते हैं तो वहाँ गाना गाते हैं, अगर एक टीचर ने उनसे ये कह दिया कि गाना गाना है तो उसे आप मतलब जॉब से निकलवा रहे हो, उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए बात कर रहे हो, और उसी के दो दिन बाद दीपिका पांडवकर के सामने वहाँ उसके पैरों पर बैठ के नीचे यही गाना गा रहे थे, तब कहाँ गई थी इनकी सांसदता, कब कहाँ गई थी इनकी मर्यादा, ये देखिए ना, तो ये भेदभाव जो है ना ये होना नहीं चाहिए, जब आप हो तो उसी के हिसाब से चलो, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। यहाँ पे एक और शख्स है हमारे साथ, सर क्या कहेंगे, किसका पल्ला जो है भारी नजर आ रहा है? पल्ला राहुल जी का भारी रहेगा, राहुल जी का भारी नजर आ रहा है, भारी रहेगा। तो यहाँ पे टक्कर में जो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी, तो किसकी लहर है? देखिए दिल्ली में तो वैसे केजरीवाल जी, केजरीवाल तो केजरीवाल ही है और जीतना भी चाहिए उन्हें, और मैं तो कहता हूँ आने वाले वक्त में अगर केजरीवाल ही प्रधानमंत्री बन जाए तो सबसे बढ़िया। केजरीवाल को ही प्रधानमंत्री बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीधा प्रधानमंत्री अगर वो बन जाए तो बहुत बढ़िया। लेकिन इस बार तीसरी बार जो है जो कहा जा रहा है मोदी की तरफ से कि हम अगर हम तीसरी बार अगर आते हैं तो जो पुराने काम है जो नहीं किए हैं वो भी कर देंगे, तो क्या उन्हें मौका देना चाहेंगे? नहीं 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 बिल्कुल, अमित शाह जी ने अभी कहा तो है वो कि अब के हमारी सरकार बनेगी तो मुस्लिमों को जो भी रिजर्वेशन है वो ख़त्म कर देंगे, तो हम क्यों चाहेंगे वो आएँ, वो तो क्लियर हमारे ऊपर वो लगा रहे हो कि रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे हमारा वो, तो हम क्यों बीजेपी को सपोर्ट करेंगे वैसे भी। लेकिन और काम भी तो करें आप, वो देखिए ना। नहीं और काम क्या करें हैं बताएं आप, मुझे बताएं आज की डेट में विकास कर दिया है, 370 हटा दिया है, तो 370 से हमें क्या फायदा है,
370 से मेरे ख्याल से हो सकता है, मैं तो कश्मीर को गया नहीं, हो सकता कश्मीरियों को भी कोई फायदा नहीं हुआ होगा, उन्हें भी कोई फायदा नहीं हुआ होगा 370 हटने से, तो फायदे वाले काम होने चाहिए ना, सबसे पहले रोजगार से उससे मैटर वो होना चाहिए। क्या कह रहे हैं 370 हटने से अडानी को फायदा हुआ है, आपको पता होगा, आप भी इसमें मीडिया में हो। 370 हटने के बाद अडानी ने वहाँ जमीन ली है, वो क्यों लिए वहाँ वो उसका तो नाम ध्यान नहीं, वो एक कुछ मतलब पदार्थ मिला है उसके बेस पे लिए, सिर्फ अडानी ले लिए, इसके अलावा और किसी का फायदा नहीं हुआ। कहते हैं पत्थरबाजी कम हुई, पत्थरबाजी पहले भी इतनी थी, पहले भी ऐसी था और अब भी ऐसी है, ये गलत फहमी है। जब आप मीडिया में दिखाओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पत्थरबाजी हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। भाई एक आग आग बन करके खड़े हो जाओगे तो आपको तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं नज़र नहीं आएगा, और आँख खोल के देखोगे तो यहाँ पूरी भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी, तो अब आँख बन करके बैठे रहोगे तो कुछ नहीं, मुझे कोई नहीं देख रहा, ऐसी गलत फहमी सब में पली हुई है सर जी। यहाँ पे और लोग हैं और कह रहे हैं कि 370 हटने से जो है सिर्फ और सिर्फ अडानी को फायदा, उन्होंने जमीन ली है। यहाँ पे एक और शख्स है हमारे साथ, आज के युवा यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है यहाँ पे, कांग्रेस वर्सेस जो बीजेपी चल रहा है, मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, क्या लग रहा है? मेरे को राजनीति के बारे में मालूम ही नहीं है कुछ। मोदी को तो जानते होंगे, वो तो चाहते अपने मोदी को नहीं, मोदी ने विकास करा है कि नहीं, काम करा है कि नहीं, अब ये बताइए। अरे क्या मालूम नहीं है जी, बेरोजगारी तो, चल रही है और क्या चलता है, बेरोजगारी चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, नौकरियां नहीं दी हैं, नौकरी काम नहीं है, कहाँ चल रहा है, हमारा मामला भी खराब चल रहा, क्या मामला खराब कर, हमारे काम खराब हो गए, कबाड़ों के काम खराब हो गए, बताओ मुर्गे वालों को दिक्कत हो रही है, हर चीज हो रही है, बताओ क्या है, यही चल रहा है, क्लिप कह रहे हैं बहुत, मुसलमानों को तो परेशानी हो रही, क्या काम चल रहा है मुसलमानों का, कह रहे उनके लिए काम करा है हमने, सबको एक समान मानते हैं, कुछ भी नहीं चल रहा, राहुल गांधी बढ़िया इस टाइम, राहुल गांधी बढ़िया, राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी आते हैं तो बढ़िया काम होगा, मुसलमानों के हित में काम होगा, बेहतरीन, वो बढ़िया आदमी है, वो पार्टी अच्छी है। तो आप गलत कह रहे हो कि मुसलमानों के हक में काम होगा, सबके लिए होगा ना काम, सबके लिए होगा जी, सबका बनेगा, खाली मुसलमानों के लिए थोड़ी बनेगा, तो सब प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री सबके लिए बनेगा, सबके लिए बनेगा वो, अपने लिए जब राहुल गांधी था, अब ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्या हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये चल रहा मामला, गलत बात है, भगवा कलर दिखा दिखा के बस। तो मोदी ने मतलब धर्म को एकदम होना चाहिए ना, सब मिलजुल कर, तो कौन जो कौन करेगा सब मिलजुल कर, कौन सा प्रधानमंत्री चुनेंगे फिर आप? हम करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, अपने दिमाग से करेंगे। किसको चुन रहे हैं? अपनी मर्जी से करेंगे, जब रिजल्ट आएगा तब बताएंगे, अभी रिजल्ट में तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार मोदी सरकार, वो तो सब भोंकते रहते हैं, जब वक्त आता है बताते हैं मैडम, वक्त आने पे कह तो रहे हैं 400 पार, मतलब मोदी को ही वोट देने वाली है लगता है, तो वक्त बताएगा ना, वो अभी तो नहीं कह सकते ना, रिजल्ट बताएगा उसका। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर सत्ता पलट होता है तो ये जो हिंदू मुस्लिम के जो चीजें चल रही हैं कि हिंदू मुस्लिम में बांटने वाला जो काम करा है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम आगे चलते हैं, पूरे मार्केट में, सीलमपुर मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे हम जगह जगह लोगों से बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं किसकी सरकार बन रही है। यहाँ पे और भी लोग हैं, यहाँ पे उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर 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 क्या लग रहा है यहाँ पे आपको, कांग्रेस वर्सेज जो बीजेपी चल रहा है, क्या लग रहा है, किसकी आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस की। कांग्रेस की, आप कांग्रेस को वोट देंगे जी? भाजपा ने काम नहीं करा है क्या? उन्होंने तो बहुत काम करा है। काम बताइए ना फिर, क्या काम करा है? कि गिनती नहीं है उनके काम की, विकास कर दिया है, बहुत बहुत विकास किया है, सबके हित में काम कर रहे हैं, जनता के लिए समर्पित हो, मंदिर मस्जिद खूब बनवाए, खूब मंदिर मस्जिद खूब बनवाए, खूब। क्या कहना चाह रही है, मतलब इस बार मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे? अल्लाह जाने कौन आएगा। आप किसको वोट देने वाली हैं? जो हक इंसाफ पे चलेगा उसको देंगे हम वोट। तो वही मोदी ही चलेंगे हक इंसाफ पे? वो तो चल ही नहीं सकते। कैसे नहीं चल सकते? नहीं काम सकते। कर रहे हैं है ही नहीं, कुछ भी काम नहीं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं मोदी। मुसलमानों के लिए तो बिल्कुल, अभी भाषण नहीं देख रहे आप, कैसे कैसे भाषण बोल रहे हैं, के उगो वो हैं, घुसपैठिए हैं, तो क्या समझे हमारे, हम ही तो घुसपैठिए, हमें बता रहे हमारा देश और हम ही घुसपैठिए। तो मतलब क्या लग रहा है फिर, किसको वोट देंगे? सत्ता पलट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वक्त बताएगा, वक्त वक्त बताएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं किस तरीके से मुसलमानों को जो है घुसपैठी, हमने लाल किला जामा मस्जिद सब कुछ हमने दे रखा, हम ही घुसपैठिए हो गए, वो खुद घुसपैठिए हैं, वो खुद घुसपैठिए हैं। यहाँ पे देखिए मुसलमानों में गुस्सा देखने को मिल रहा है कि हम घुसपैठिए, हमको बताया जा रहा है हम ही देश में रहने वाले हैं। सर क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है इस बार? हमें तो मालूम नहीं है कौन सी सरकार, मोदी को तो जानते होंगे आप, जब वोट पड़ने के बाद है तो पता चलेगा किनकी सरकार बन रही है।
तो आप वोट किसको देने वाले हैं आप ये बताइए ना। अभी कुछ नहीं बता सकते, अभी वोटिंग बॉर्डर होगा तब पता ही नहीं। आपको तो पता होगा वोट डालते हैं आप। यहाँ नहीं डालते, मैं बाहर होगा वोट करता हूँ। बाहर किसको डालने वाले हैं? बाहर जिनको मर्जी होगा वो डालेंगे, डालने के बाद ही पता करेगा किनको देना। यहाँ पे कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम आपको बताएं कि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार जो हैं यहाँ पे सीलमपुर मार्केट में जो प्रत्याशी हैं उधर इसी साइड से खड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम जगह जगह लोगों से बात कर रहे हैं किसकी सरकार बन रही, किसका पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, मनोज तिवारी या फिर कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी। मनोज क्यों? मनोज तिवारी कार्य होता है इसलिए। क्या कार्य करा है? विकास हुआ है? नहीं है विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? बहुत सारी सड़कें हैं यहाँ पर, देखो आप उनके एरिया में जाके देखो। आज जो यहाँ पर प्रदूषण होता था और नालियों के खड़ंजे जो उसमें कूड़ा ढेर बनता था उसे खत्म करा गया है। सीधा सीधा भाजपा के साथ है? भाजपा के साथ नहीं, जो कार्य करेगा उसके साथ है। मतलब भाजपा की तरफ से ही तो खड़े हो रहे हैं मनोज तिवारी, तो उनके साथ है। उन्हीं के साथ है, मतलब उन्हीं को वोट देंगे जी। मतलब उनके आने के बाद लग रहा है फिर से विकास होगा, सब कुछ उन्हीं के हित में होगा। तो प्रधानमंत्री ने क्या करा? विकास नहीं करा अभी तक। लोग तो कह रहे हैं नहीं कर रहे विकास। कौन कह रहा है? कह रहे विनाश कर दिया है, मुसलमानों के खिलाफ है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने विकास नहीं करा है? नहीं करा है, कह रहे विनाश कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री की कितनी योजनाएं हैं जो मुस्लिमों को मिलती है बताइए मुझे। मुसलमानों को तो घुसपैठिया बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमानों को घुसपैठिया नहीं बताया गया। आपने भाषण नहीं सुने कब का? अभी रिसेंटली बोल रहे हैं घुसपैठिया है, मुसलमान कह रहे हैं मुसलमानों को घुसपैठिया बताया जा रहा है। अखबार पढ़ रहा हूँ जरा, छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा भाषण नहीं दिया गया अभी तक। तो कैसे कह देंगे आप? नहीं कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं मोदी। पब्लिक के कहने पर मत को, जो प्रधानमंत्री के ना उसके ऊपर को ठीक है बताइए। अरे आप बताइए ना, मतलब आप कह रहे हैं कि मनोज तिवारी ही आएंगे जी, फिर क्या लग रहा है वो कह रहे हैं मनोज तिवारी ही आएंगे? मनोज तिवारी जी आएंगे, मनोज तिवारी ही आएंगे, मनोज तिवारी जी आएंगे। क्यों भाई? मोदी जी के नाम पे आएंगे कहते हैं। मोदी जी के नाम पे आएंगे? क्या काम कर रहे हैं मोदी जी ने? मोदी जी ने बहुत काम किए कहते हैं। बताइए ना, गिनवा दीजिए, पांच काम गिनवा दीजिए। आएगा किसमें? आपका ही कौन सी टीम है? पहले बताइए तो पांच गांव गिनवा दीजिए। कुछ नहीं, गरीबी करी और कुछ नहीं करी, गरीबी करी है। बिल्कुल। फिर भी कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, वो हम तो ये कहेंगे गरीबी करी है। हाँ, बताइए, वो कह रही है गरीबी करी है मोदी जी ने। गरीबी तो कहाँ गरीबी होती है, लोग भीड़ होती है, हमें कहते हैं लोग खरीदने आते हैं यहाँ पे, गरीबी होती है, इतनी भीड़ हो रही है इसके अंदर कहते हैं यहाँ पर मार्केट के अंदर। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। नहीं कहाँ महंगाई, बताओ नहीं है महंगाई? महंगाई होती तो लोग यहाँ भीड़ होती बाजार के अंदर, लोग घर पे होते कहते हैं। महंगाई महंगाई होती तो बाजार में थोड़ी होते लोग, इतनी भीड़ यहाँ पर निकलने की जगह नहीं मिलती कहते। गरीब कहाँ आ पा रहे हैं यहाँ पे? क्यों और कौन आ रहा है? जो अच्छे खासे जो लोग हैं जिनके पास हैं पैसे कमाते हैं, बेरोजगार लोग कहाँ से खरीदेंगे ये सब चीजें? नहीं बेरोजगारी कहाँ पर है बताओ ना, कहाँ कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग जो है हाथों में डिग्रियां लेके निकल रहे लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही है। नहीं नो कहाँ पर डिग्री लेके निकल रहे हैं? आपने देखा नहीं, आप न्यूज नहीं देखते हैं लगता है ना? न्यूज देखते हैं, देखते क्यों नहीं? फिर भी मनोज तिवारी बोल रहे हैं। नहीं मनोज तिवारी आएगा यहाँ पे और कहते उसको खड़ा किया कहते हैं कन्हैया कुमार देशद्रोही है, वो तो कहते हैं देशद्रोही है। और क्या उसने कहा कि देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, कहा नहीं जेएनयू के अंदर उसने? सुना नहीं आपने न्यूज के अंदर? तो मतलब मनोज तिवारी भाजपा के ही साथ है? हाँ भाजपा के साथ है। महिलाएं भी हैं मैम, क्या लग रहा है किसको वोट देने वाली हैं इस बार? पता नहीं अभी किसको देंगे। पता होगा ना यहाँ पे भाजपा और इंडिया गठबंधन का जो चल रहा है, किसको देंगे, कांग्रेस या फिर मोदी? जिसको सब डालेंगे ऐसे कोई हम डाल देंगे। सब तो मोदी को डाल रहे हैं, तो आप भी मोदी को डालेंगे? हाँ मोदी को डाल देंगे, क्या बात है, मोदी से खुश है? मोदी कह रहे हैं मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे हैं। हाँ हाँ मोदी को दे देंगे हम वोट। आप लोगों को घुसपैठिया बता रहे हैं मुसलमानों को, आपको इससे तकलीफ नहीं है कि आप देश में रहते हैं आप ही घुसपैठिया बताएं? नहीं क्यों, होती तकलीफ तो बहुत है लेकिन फिर भी मोदी को वोट देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं मतलब दिख रहा है आधे लोग जो है मनोज तिवारी के साथ है, तो आधे कन्हैया कुमार लगाएंगे, पंजे पे लगाएंगे, हम पंजे पे लगाएंगे मतलब कांग्रेस को वोट देंगे सीधे। पहले आप कह रही है मनोज तिवारी भाजपा के साथ देंगे, कांग्रेस को ही देंगे?
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग जो है आधे कांग्रेस के साथ है तो आधे भाजपा के साथ हैं। अभी आप कुछ बोलते बोलते हम इसलिए डर रहे थे। नहीं नहीं, तो यहाँ पे देखिए, देखते हैं अब आगे क्या होता है। वैसे यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं भाजपा की तरफ से, जो मनोज तिवारी खड़े हो रहे हैं, और कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो कन्हैया कुमार खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये रिजल्ट ही बताएगा किसकी सरकार बनेगी। बाकी इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।